मॉर्निंग फ्रेंड्स, हर हर महादेव। फ्रेंड्स, मैं माधवी स्ट्रोजर आप सभी के साथ आज का पंचांग शेयर करने जा रही हूँ। उसके पहले एक छोटा सा सुविचार हो जाए। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखें तैसी। जी हाँ, इसका अर्थ यहाँ पे ये है ना, मेनी टाइम्स हम दूसरों का भला करने का सोचते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि उनको भी ऐसा लगे कि हम उनका भला सोच रहे हैं, वो हमें उल्टा सीधा सुना देते हैं। तो इसके लिए आपको सैड नहीं होना है, ये उनकी भावनाएं हैं जो आपको नहीं समझ रहे हैं। आपको अपना काम, अपना कर्म अच्छी भावनाओं के साथ कंटिन्यू करते रहना चाहिए। आज का था ये सुविचार। चलिए आज का पंचांग शेयर करते हैं। आज आप सभी को पता है 12 अप्रैल 2021 है और आज दिन सोमवार है, जिसे हम मंडे कहते हैं, और मंथ चैत्र महीना चल रहा है, कृष्ण पक्ष है और तिथि आज अमावस्या है, जो सुबह 8 बजे तक ही है। और आज का जो नक्षत्र है वो रेवती है और चंद्रमा मीन राशि में भ्रमण करेंगे। और आज योग वैधित है और आज अभिजीत मुहूर्त है 12:14 से 1:04 तक दोपहर में। और आज अमृत काल है जो कि स्टार्ट हो गया सुबह 6:17 से और जो पूरे दिन रहेगा और कल सुबह 8:04 तक रहेगा। फ्रेंड्स, आज का जो राहु काल है सुबह 7:51 से 9:31 तक राहु काल रहेगा। आप सभी को पता है राहु काल में हमें कोई भी नई यात्रा नहीं स्टार्ट करनी चाहिए, ना ही कोई शुभ कार्य करना चाहिए। और फ्रेंड्स, आज दिशासूल जो है पूर्व दिशा है, जिसे हम इष्ट बोलते हैं, तो अगर आपको इष्ट डायरेक्शन में जाना है तो घर से निकलते समय आप थोड़ी सी मिश्री खा करके या फिर मिरर में अपना फेस देख करके निकलेंगे। फ्रेंड्स, आज अमावस्या तिथि है, तो आज के एक छोटा टिप मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हर अमावस्या तिथि को ना हमें चाहिए कि हम माता तुलसी की 108 परिक्रमा किया करें। ऐसा करने से हमें सौभाग्य की प्राप्ति होती है और प्रभु के प्रति हमारी प्रीति बढ़ती है, हमें हमारे सारे संकट दूर होते हैं, ऐसे शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। और फ्रेंड्स, आज सोमवार का दिन है और अमावस्या तिथि भी है, तो आप लोगों को भोले बाबा का दूध से अभिषेक करना चाहिए, थोड़े से काले तिल भी भोले बाबा पे आपको अर्पित करने चाहिए और साथ में आपको पीपल के पेड़ की पूजा भी आज करनी चाहिए। और अगर आपके घर में पितृ की फोटो है पितरों की, तो आपको उनके समक्ष आज दीपक जलाना चाहिए और प्रणाम करना चाहिए। एक बात और फ्रेंड, जो पितरों की पूजा का समय होता है ना, वो दोपहर में 12 बजे होता है। सुबह बहुत सारे लोग सुबह सुबह उनकी पूजा कर देते हैं, ये गलत होता है। अगर आपको पितरों की पूजा करनी है तो आप दोपहर में 12 बजे तक करेंगे। और फ्रेंड्स, आज अमावस्या तिथि होने के कारण अगर आप चाहें तो आप ब्राह्मणों को कुछ दान भी कर सकते हैं, जैसे काला तिल और गेहूं का आटा या फिर चावल, दूध, जो भी आपको सूट करता है, जितनी आपकी क्षमता है उस हिसाब से आपको आज दान करना चाहिए किसी मंदिर में जाकर के। फ्रेंड्स, ये था आज का पंचांग। कल फिर मिलेंगे और मेरी प्रभु श्री हरि माता हरि प्रिया से प्रार्थना है कि वो आप पर, मुझ पर, हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि बनाए रखें और आप सभी का दिन मंगलमय हो। इसी शुभकामना के साथ हर हर महादेव।